हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाटर मेकअप चैलेंज। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कुछ यूज कर रही हूँ एंड हम टेस्ट करेंगे कि ये वाटर में कैसे रहते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बायोटिक का SPF लगाया है क्योंकि मैं पानी में जाने वाली थी एंड मुझे बिल्कुल भी टैनिंग नहीं चाहिए थी। अब नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर एंड इसे भी मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इससे पोर्स बहुत अच्छे से मिनिमाइज हो जाते हैं एंड मैंने सोचा कि ये पानी में किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी देख लेना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा व्हाइट कास्ट कर देता है। व्हाइट कास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा आपके स्किन टोन को एक शेड ज्यादा लाइटर बना देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का फाउंडेशन यूज किया है 238, सॉरी वो फाउंडेशन उल्टा मैंने पकड़ लिया था। और फाउंडेशन को मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। यहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है, बहुत ही लाइट वेट मेकअप रखा है। जस्ट फॉर फन मैंने ये वीडियो बनाया है। सो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यूरोप गर्ल का कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट लगाना ऑब्वियसली जरूरी था, अदरवाइज फाउंडेशन जो है पानी में जाते ही मेरा थोड़ी देर में निकलना शुरू हो जाता। सो मैं सब कुछ टेस्ट कर रही थी कितने अच्छे से ये चीजें रहती है। तो मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज किया है, अल्टीमेट आईब्रो किट, एंड काफी अच्छी किट थी ये। रिजल्ट आपको पता चलेगा कि किट मैंने जो लगाई है वो कितने अच्छे से टिकी थी। अब यहाँ पे आप बीच बीच में देखेंगे कि मैं हंस रही हूँ, बात कर रही हूँ, वो इस वजह से बिकॉज सारे पानी में जा चुके हैं और मैं कब से यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि ये मेरा टर्न कब आएगा। तो अब मैंने यूज किया है यहाँ पे LA गर्ल का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, या पाउडर है कुछ है, लेकिन मैं इसको एज अ कॉन्ट्रोल यूज करती हूँ, काफी टाइम से यूज करती हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे मैं दे दूंगी, आप इसका रिव्यू देख लीजिए। इसका रिव्यू काफी अच्छा है, मुझे ये काफी अच्छा लगता है एज अ कॉन्ट्रोल। अब नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फोक्याल्यूर का ब्लश एंड काफी अच्छा ब्लश है, पिगमेंटेड ब्लश है, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही स्वाइप में काफी अच्छे से ब्लश अप्लाई हो चुका है। सो अगर आप ब्लश पर्सन है तो आपको ये ब्लश काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड रिजल्ट देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट जो है पानी में भी अच्छे से टिका रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूरोप गर्ल का हाइलाइटर यूज किया है। मैं एक्चुअली सोच रही थी हाइलाइटर में कुछ और यूज करती तो ज्यादा बेटर था, मैं ऑलरेडी यूरोप गर्ल का कॉम्पैक्ट यूज कर चुकी थी, बट एनीवेज अब मैं यूज कर चुकी हूँ। सो यूरोप गर्ल का हाइलाइटर के बाद यहाँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से मैंने जो है आई मेकअप किया है, बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है। चलिए आप इसको म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। आई मेकअप हो चुका है एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे आई लाइनर। सो आई थिंक मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई लाइनर, आई थिंक, आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा गाइस कि मैंने कौन सा आई लाइनर अप्लाई किया है यहाँ पे। अगर मुझे याद आएगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का ये मस्कारा एंड काफी अच्छा मस्कारा है ये, आप सबको पता ही होगा। यस गाइस, मुझे याद आया, मैंने मिस क्लेयर का आई लाइनर यूज किया था। सो मिस क्लेयर का आई लाइनर है वो, और मस्कारा आपने देख लिया। यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैं मेबलिन की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, जो आई थिंक 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, वो मैंने यूज की है। शेड और एवरीथिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी कि मैंने कौन सा शेड अप्लाई किया था। तो अब लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मेबलिन का ये मेकअप फिक्सर। इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, पूरे फेस पे स्प्रे कर दिया है एंड आई एम रेडी। सो यस गाइज, मेरा मेकअप हो चुका है एंड अब मैं पानी में जाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे पिछले दो चैलेंजेस मैंने किए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, एक बार चेक जरूर से कर लेना। एंड या लेट्स गो एंड टेस्ट ऑल दीज मेकअप प्रोडक्ट्स की ये पानी में कितनी देर तक एज इट इज रहते हैं। सो या लेट्स गो।
एवरीवन, सो ऑलमोस्ट मुझे एक डेढ़ घंटा हो चुका है पानी में एंड लिटरली आप देख सकते हैं मेरा मेकअप एज इट इज़ है, लाइनर एंड मस्कारा भी एज इट इज़ है, लिपस्टिक भी एज इट इज़ है एंड बेस भी मेरा हल्का हल्का सा है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे निकल चुका है, बाकी बेस भी बहुत अच्छे से अभी तक टिका हुआ है एंड यस ब्राउ किट इज़ गुड, लिपस्टिक इज़ गुड एंड बाकी आप सब देख सकते हो कैसा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है।